खोए वाली लस्सी, पेड़े वाली और बादशाही लस्सी। दिन भर तवाना रहने के लिए रावलपिंडी के बासी सहरी में खाने के साथ लस्सी जरूर पीते हैं। सहरी में फूड स्ट्रीट्स पर लस्सी की दुकानों पर रश लगा रहता है। इमन सैयद की रिपोर्ट देखते हैं। रावलपिंडी की मशहूर और वाहिद फूड स्ट्रीट करतारपुरा की ये मनाजिर बता रहे हैं कि यहाँ के बासी खाबों के शौकीन हैं। निहारी पाई समेत मुरगन पकवान की खुशबू हर आने वाले को खुशामदीद कह रही है। मौसम में खुनकी है, लेकिन लस्सी के शौकीन सहरी में इसका इस्तेमाल जरूर करते हैं। फूड स्ट्रीट में सादा लस्सी के साथ खोए वाली, पेड़े वाली और बादशाही लस्सी भी मौजूद है। देसी लोगों के लिए जो हमारे पास लस्सी है वो स्पेशल खोए वाली, पेड़े वाली, मलाई वाली है। और यंग जनरेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो लस्सी है, चॉकलेट की लस्सी, कॉफी की लस्सी, स्ट्रॉबेरी की लस्सी, मैंगो की लस्सी, बादशाही लस्सी, शहनशाही लस्सी, और जो पीता है और अल्हम्दुलिल्लाह पीता ही रहता है। और सहरी करने वालों का मानना है कि सर्दी हो या गर्मी, लस्सी का सहरी में अपना ही मकाम है। यहाँ की लस्सी बहुत ही जबरदस्त। हम दोस्तों के साथ सहरी करने आए हैं। इधर बहुत मजे का खाना जाना होता है, इधर बहुत रश होता है, मजा भी आता है। अमेरिका पलट पाकिस्तानी भी फूड स्ट्रीट पर सहरी करने पहुँचे तो तारीफ किए बगैर ना रह सके। मैं स्पेशल अमेरिका से आया हूँ यहाँ पे रमजान के लिए। इनका बहुत नाम सुना है इस बाजार का हमने, बनी बाजार का। ये स्पेशल लस्सी है, आज ट्राई करते हैं। हमारी सहरी जो है ना, इधर करतारपुरे के बगैर तो सहरी होती नहीं हमारी। रावलपिंडी की ये फूड स्ट्रीट सहरी के वक्त शहरियों से खचाखच भरी रहती है। जहाँ दूर दराज से आई शहरी सहरी से भरपूर लुत्फ अंदोज होते हैं। इमन सैयद, आज न्यूज़, रावल।